Hello students, please welcome to Sri Raghunath Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach you coal and petroleum chapter number 3 of class 8. So first one is inexecutable natural resources. Second one is executable natural resources. Third point is fossil fuels. Fourth is coal and fifth one is coal. So first one is what is रिसोर्सेस जिससे ह्यूमंस होता है या मानव होता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे अपन रिसोर्सेस कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस आर मेनली टू टाइप, फर्स्ट इज इनएक्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेस, सेकंड वन इज एक्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेस। व्हाट इज इनएक्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेस? दोज नेचुरल रिसोर्सेस व्हिच आर अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। वह नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, अनियंत्रित होती है, अपन उनको नियंत्रित नहीं कर सकते, दोज आर इनएक्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एयर, हवा होती है, अपन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए एयर इज ए इनएक्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। Now, executable natural resources, those natural resources which are limited quantity in nature, जो limited quantity के अंदर होते हैं, अपन उनको नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रित मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, इनको अपन executable natural resources कहते हैं। Now, what is fossil fuels? The definition of fossil fuels, actually fossil fuels होता क्या है? Those substances which are found with the dead and organic matter, जो अपने को dead और organic matter के थ्रू मिलता है, dead और organic matters means जो जीव जंतु खत्म हो जाते हैं, पेड़ पौधों से जो पत्ते खत्म हो जाते हैं, जो किसी काम के नहीं रहते, उनसे अपने को जो कुछ भी मिलता है, उनको अपन fossil fuels कहते हैं। Now, what is coal? Coal is a hard substance. यह हार्ड होता है, ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक होता है, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की ही फॉर्म होती है। नाउ कोल इज यूज्ड, कोल पाया जाता है, कोल प्रयोग में लिया जाता है सड़क बनाने के लिए, भाप के इंजन के लिए, और इन एंशिएंट टाइम्स रेल इन रेल इंजन भी यूज्ड कोल, रेल इंजन के अंदर भी अपन कोल का यूज लेते थे। नाउ कोल, व्हाट इज कोल? कोक इज ए पोरस ब्लैक सब्सटेंस ही होता है, इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है, और कोक को भी अपन कोल की तरह यूज ले सकते हैं। अब अपन दोबारा रिपीट कर लेते हैं, मैंने क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले कोल और पेट्रोलियम के बारे में, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दो टाइप के होते हैं, इनएक्जीक्यूटेबल और एक्जीक्यूटेबल। इनएक्जीक्यूटेबल के अंदर बताया था जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं, एक्जीक्यूटेबल के अंदर बताया था मैंने जो वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पहले बताया था जो जीव जंतु मर जाते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या जो पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं उनसे अपने को मिलता है। नाउ मैंने कॉल बताया था हार्ड सब्सटेंस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, और इसके मैंने यूज बताए थे कोल से क्या होते हैं, कुक फूड भोजन बनाने के लिए जो इंजन होते हैं रेल इंजन, पहले जमाने में उनके लिए भी यूज लेते थे। कोक